वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एसएल जर्नी। तो भाइयों आज की मंडे नाइट रॉ में हमें जजमेंट डे और जे उसो का हमें काफी कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला और साथ ही रिया रिपली का हमें रिटर्न भी देखने को मिला। तो क्या क्या हमें इनके प्रोमो सेगमेंट में चीजें देखने को मिली उसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक देखना और पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज की मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें काफी तगड़ी यहाँ देखने को मिलती है। बैक स्टेज से नाया जैक्स और सैना बेजलर लड़ते लड़ते रिंग साइड पे आ जाते हैं और वहीं से बैक स्टेज से फिर रैक्यूल आती है सैना बेजलर का सपोर्ट करने के लिए, लेकिन फिर वहाँ पे तीनों रिंग में आ जाते हैं और सब पे नाया जैक्स भारी हमें वहाँ पड़ते हुए देखने को मिलती है। तभी फिर हमें देखने को मिलता है रिया रिपली का रिटर्न। रिया रिपली फाइनली अपना वहाँ हमें रिटर्न हमें वहाँ करते हुए नजर आती है और वहाँ पे वो भी हमें इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलती है उनकी फाइट में। फिर वैसे रिया रिपली का मेन मोटिव तो नाया जैक्स पे अटैक करना था तो वो नाया के ऊपर पड़ जाती है। फिर लेकिन वहाँ पे बैक स्टेज से काफी सारे गार्ड्स आते हैं और सबको अलग अलग कर देते हैं, लेकिन रिया रिपली हमें अभी भी स्टिल रिंग के अंदर हमें देखने को मिलती है और वो माइक लेके क्राउड से कहती है कि अभी भी मेरा पूरा कुछ नहीं हुआ, अभी भी मेरे को काफी सारे बिजनेस हैंडल करने हैं। तो बैक स्टेज से जजमेंट डे को बुलाती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बैक स्टेज से हमारे जजमेंट डे में से डेमियन प्रिस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो हमें आते हुए देखने को मिलते हैं रिंग के अंदर। फिर उसके बाद रिया रिपली कहती है कि इन दोनों को भी कुछ रिस्पेक्ट दो और वैसे भी मेरे को अभी जजमेंट डे का कुछ बिजनेस हैंडल करना है। फिर वो डोमिनिक मिस्टीरियो और डेमियन प्रिस्ट से कहती है कि तुम दोनों को जैसे कि पता ही है जजमेंट डे में कोई भी लीडर नहीं है और सबके पास अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किसी ना किसी को प्लान्स के साथ ऊपर होना पड़ेगा ताकि जजमेंट डे नीचे ना जाए। और क्या हुआ, नया जैक्स ने जब से मामी को दो हफ्ते के लिए दूर गया और यहाँ पे जजमेंट डे के लिए जितनी भी सारी चीजें थी वो नीचे जाने लगी, क्योंकि वैसे भी जजमेंट डे के जो भी प्लान्स होते थे वो मामी ही सब हैंडल करती थी और मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेमियन प्रिस्ट तुमको दी थी जब तक के लिए मैं दो हफ्ते के लिए बाहर गई थी और तुमने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से नहीं निभाया। और पिछले वीक जो हमें रॉ में ब्रॉल देखने को मिली थी उसके बाद जो फिन वैलर है वो काफी ज्यादा इंजर्ड है और तुम भी अभी जे उसो के साथ कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्टर्स ने भी तुम्हें मेडिकली फिट नहीं बताया है। और इसके बाद बात करी जाए डोमिनिक मिस्टीरियो की, तो डोमिनिक मिस्टीरियो भी अपनी एनएक्सटी नॉर्थ चैंपियनशिप हार चुका है, वो भी नो मर्सी के इवेंट में, क्योंकि वहां पे तुम उसकी हेल्प करने नहीं गए थे और अभी हमारे बीच कोडी और जे उसो वाली सिचुएशन बन चुकी है और वो भी अभी फिलहाल के टाइम पे हमसे नहीं डरते। और तुम जानते हो अभी ऐसा क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारे बीच काफी सारी टेंशन है और बता दो इन फ्यूचर में वो तुमसे तुम्हारी टैग टीम चैंपियनशिप्स भी ले लेंगे और फिर तुम क्या करने वाले हो, तुमने इसके बारे में भी नहीं सोचा होगा। फिर इसके बाद हमें डेमियन प्रिस्ट रिया रिपली से हमें कहते हुए देखने को मिलते हैं कि मैं तुम्हें पूरी इज्जत से एक चीज कहना चाहता हूँ कि तुमने जो कुछ भी बोला ऐसे इसमें कोई भी बात नहीं थी जो मुझे पता ना हो, और वैसे भी आज जे उसो कोडी रोड्स आने वाले हैं जब भी चैंपियनशिप के लिए, तो उस टाइम पे मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा विन करने के लिए और तुम मुझे किस तरीके से देखते हो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास चैंपियनशिप है, ब्रीफ केस है मेरा, बस हमारे डेमियन प्रिस्ट इतना बोलते हैं। फिर इसके बाद जो हमारी रिया रिपली है वो डोमिनिक मिस्टीरियो पे चढ़ जाती है, वो डोमिनिक मिस्टीरियो से कहने लग जाती है जो वो टाइटल कल हारे थे, तो उसके ऊपर हमारी जो रिया रिपली है वो डोमिनिक मिस्टीरियो से कहती है कि कल एनएक्सटी में तुम्हारा रीमैच होने वाला है और तुम्हें वहां अपनी वो चैंपियनशिप दोबारा विन करनी होगी, अगर तुम वहां विन नहीं कर पाए तो कल दोबारा घर मत आ जाना। फिर बस इसके बाद हमें देखने को मिलता है जे उसो का थीम सॉन्ग प्ले होता है और फिर वो भी रिंग में हमें आते हुए देखने को मिलते हैं और रिंग में आते ही वो कहने लग जाते हैं कि सबसे मेन बात क्या हमें यहाँ पे रिया रिपली का हमें वेलकम करना चाहिए, हम सबने तुम्हें काफी मिस किया दो हफ्तों से और जब से तुम आई हो अब ऐसा लगता है कि एक न्यू ट्राइबल चीफ आ चुका हो मंडे नाइट रॉ के अंदर और वैसे भी रोमन रिंग से ज्यादा हिम्मत तुम्हारे अंदर है। फिर इसके बाद डेमियन प्रिस्ट कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हारी ये सारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ। फिर इसके बाद डेमियन प्रिस्ट माइक फेंक के जे उसो की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो रोक लेते हैं उनको और कहते हैं कि अभी भी तुम जो जजमेंट डे का बिजनेस मैनेज करने के लिए अभी भी तुम मेडिकली फिट नहीं हो, तो मैं जे उसो के साथ यहाँ पे मैनेज करूंगा। तो ये सब देख के भाई जो हमारे डेमियन प्रिस्ट था वो रिंग के बाहर चले जाते हैं और डेमियन प्रिस्ट के साथ रिया रिपली भी हमें बाहर जाते हुए देखने को मिलती है। फिर इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो हमें यहाँ अटैक करते हुए देखने को मिलते हैं जे उसो पे, लेकिन जे उसो हमें वहां बचते हुए देखने को मिलते हैं, तो जे उसो एक सुपर किक लगाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को। फिर बैक स्टेज से जेडी मैकडोनल्ड आते हैं और वो भी जे उसो को पकड़ लेते हैं, तो दोनों बंदे मिलकर जे उसो पे हमें वहां अटैक करते हुए नजर आते हैं और जेडी मैकडोनल्ड जो बाहर साइड डेमियन प्रिस्ट खड़े होते हैं तो उनको रिंग के अंदर बुला ही रहे होते हैं, लेकिन इतने ही बैक स्टेज से जे उसो की हेल्प करने के लिए कोडी रोड्स हमें वहां आते हुए देखने को मिलते हैं और कोडी रोड्स रिंग में आते उन दोनों पे हमें भारी भी पड़ते हैं वहां देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद अचानक से बैक स्टेज से एडम पियर्स हमें आते हुए देखने को मिलते हैं स्टेज पे और स्टेज पे आते वो कहने लग जाते हैं कि जजमेंट डे तुमने आज यहाँ रॉ पे काफी ज्यादा हल्ला वल्ला काफी वॉयलेंस यहाँ कर चुके हो, तो ये सारी चीज देख के जो कोडी रोड्स और जे उसो वो फेस करेंगे डेमियन प्रिस्ट और फिन वैलर को वो भी फास्ट लेन में, और तुम्हें पता है ये मैच किस चीज के लिए होने वाला है, वो भी होने वाला है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए और ये मैच काफी जल्द तुम्हें ऑफिशियल भी होते हुए
देखने मिल जाएगा। इसके बाद एडम पियर्स बैक स्टेज हमें जाते हुए देखने मिलते हैं, फिर ये सेगमेंट हमें यही एंड होते हुए देखने मिलता है, जो एडम पियर्स लास्ट में अनाउंसमेंट करके गए थे मैच के लिए। और इस मैच को लेकर हर किसी का मन में एक्साइटमेंट तो होगी कि ये मैच कौन विन करने वाला है। अगर जजमेंट डे ये मैच हमें यहाँ आते हुए देखने मिलती है तो समझ लो जजमेंट डे हमें पूरी तरह से हमें ब्रेकअप हमें देखने मिल जाएगा जजमेंट डे का, क्योंकि आपने आज इस प्रोमो सेगमेंट में देखा ही था कि डोमिनिक मिस्टीरियो बस अपनी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप जीते थे, उस चीज को लेकर मामी कितना ज्यादा गुस्सा हुई थी उन पे, कितना सब कुछ बोला। और वैसे भी कल उनका रीमैच देखने मिलने वाला है, तो देखते हैं भाई डोमिनिक मिस्टीरियो का हमें क्या सीन देखने मिलता है, क्या वो वापस ज्वाइन हमें करते हुए देखने मिलने वाले हैं जजमेंट डे, या वो जजमेंट डे से अलग होते हुए देखने मिलने वाले हैं। इस चीज का तो भाई कल ही हमें पता चलेगा जो भी मैच होगा, जो भी विनर देखने मिलेगा। और ये वाला टैग टीम मैच भी काफी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर जजमेंट डे ये मैच भी हमें यहाँ हारते हुए देखने मिलती है फास्ट लेन में, तो समझ लो जजमेंट डे का हमें ब्रेकअप 100% अब देखने मिलने वाला है, क्योंकि जो भी आज सीन देखने मिला काफी तगड़ा ही देखने मिला। और आपके क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर तो कमेंट करके जरूर जाना। तो यहीं तक थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर बिना ना जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।